उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का मानना है केंद्र और प्रदेश सरकार ने जनता की भलाई के लिए जो कार्य किया है उससे देश और प्रदेश की जनता यूपी में फिर से योगी की सरकार को ही चुनेगी। क्यूटीवी इंडिया से खास बातचीत में नंदी ने कहा कि जो योजना देश और प्रदेश में चल रही है उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को लाभ मिलता है। समाजवादी पार्टी के विरोध के सवाल पर नंदी ने अखिलेश यादव की मिसाल दी, कहा जो अपने माता पिता और चाचा का नहीं हुआ वो जनता का कैसे होगा। अखिलेश यादव को अभी और सीखने की जरूरत है। इन लोगों ने केवल भाजपा का भय दिखा करके वोट तो लेने का काम किया, कभी इनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। आज हमने मकान की चाबियां दी है तो इसमें रानी है, सुनीता है, तो फातिमा भी है, नूरजहां भी है। तो मेरा ये कहना है कि हम सभी जाति धर्म मजहब को साथ लेकर के चल करके, और नारा नहीं है ये उद्देश्य है। आप समझिए कि सपा बसपा की सरकार पीछे एक बार सपा एक बार बसपा एक बार सपा एक बार बसपा लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। हमारे समय में अभी इसके पहले चाहे आजम खान मंत्री रहे हों चाहे नसीमुद्दीन रहे हों, ये मुस्लिम समाज को अपनी जागीर मानते थे, कभी इनके भले के लिए कोई काम नहीं किया। हमारे पास ये मंत्रालय आया, हमने भारत सरकार में रिक्वेस्ट करके पिछली बार 10 करोड़ रुपए, इस बार फिर 20 करोड़ रुपए लाए। मुस्लिम समाज के बच्चे केवल पंचर बनाने की दुकान, केवल आलमारी पीटने का काम, केवल हथौड़ा चलाने का काम न करें, वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़े, डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के लिए बेटी को 8 लाख रुपए का लोन दिया, वो अपना व्यापार कर सके। अभी एक नकाबपोश बहन आई थी उसको जूता चप्पल की दुकान के लिए पैसा दिया, एक बिटिया अभी 5 लाख रुपए का लोन पाई ब्यूटी पार्लर, वो खुद 10 लोगों को रोजगार देने जा रही है। तो हम उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके उनको रोजगार देने जा रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल तरीके से उनके विकास के लिए, उनको उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जो सपा बसपा ने कभी नहीं किया। तो ये लोग केवल वोट की राजनीति करने के लिए, अब वो लोग क्या जाएंगे जिन्होंने कारसेवकों पे गोली चलवाई, राम भक्तों पर गोली चलवाई, वो उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और रहा अखिलेश यादव का, तो अखिलेश यादव को तो मैं यही कहूँगा कि उनका बचपना अभी भी गया नहीं, वो अपने पिताजी की जो कह लीजिए विरासत को पा गए, उसको संभाल नहीं सके। वीडियो गेम खेल करके और टोटी यूटी, एक कितना मामला आया था कि टोटी जैसी इतनी छोटी सोच, एक प्रदेश के मुखिया की इतनी छोटी सोच कि वो टोटी को उखाड़ करके ले जाए, तो वो प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। ऐसी बात कहा कि इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान, इस देश के डॉक्टरों का अपमान कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा की वैक्सीन, फिर गुलाटी मार करके पलटी मार गए। मैं मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर करने का काम किया और इस देश के डॉक्टरों का सम्मान किया, इस देश के वैज्ञानिकों का सम्मान किया, उन्होंने वैक्सीन लगवाई और तमाम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आज हम ये कह सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, ब्रिटिश हुकूमत का कभी सूर्य अस्त नहीं होता, वो जैसे देश लड़खड़ा गए और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इसका प्रसार कम हो पाया और कोरोना की लड़ाई लड़ने में हम देश में अव्वल हैं। मतलब अखिलेश यादव को अभी भी सीखने की ज़रूरत है अपने पिताजी? निश्चित रूप से सीखने की ज़रूरत है, पिताजी से सीखें या किसी से सीखें, जो अपने पिता को लात मार करके खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हो, जो अपने चाचा को लात मार करके भगा दिया हो, वो प्रदेश का भला नहीं कर सकता। और ये जनता अच्छी तरह से जान चुकी है, बुआ बबुआ आपने देखा, कांग्रेस सब इकट्ठे मिलकर के भी ये लड़े, कैसा माहौल बना था 2019 में, जनता ने नाकार दिया है और इनको फिर से नाकारने जा रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही देश का, समाज का ये भला कर सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार से विचलित होकर के तमाम अनाप शनाप काम कर रहे हैं। नंदी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने जवाब देने पर जरा भी देर नहीं की। नंदी के अखिलेश यादव पर टिप्पणी पर सपा के शहर दक्षिण के उपाध्यक्ष सलामतुल्लाह खान ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों को बांटना आता है, अखिलेश यादव को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सपा सरकार में किए गए काम को देखकर जनता इस बार वोट करेगी। जिसको विकास से मतलब ना हो वो कुछ भी कह सकता है। मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके चुनाव में फायदा चाहती है, वो कुछ भी कह सकती है, लेकिन जनता मूड बना चुकी है। जनता इस बार बेरोजगारी और महंगाई के
खिलाफ वोट करेगी। इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी को 350 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं और ईश्वर ने चाहा तो इस बार 2022 के चुनाव में हम सब कामयाब होंगे। और जिस तरह से ये लोग विकास के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, इनका विकास देखना है तो आप कैबिनेट मिनिस्टर नंदी जी के 6 शहर दक्षिणी जाइए और महापावर जी के प्रयागराज को अपने कैमरे से कवर कीजिए। रोटे ऐसी है इस वक्त कि रास्ते में महिलाओं की डिलीवरी हो जा रही है, जबकि महापावर जी खुद एक महिला हैं, महिला के प्रति उनकी किसी तरह की अच्छी सोच नहीं है, वो विकास पे ध्यान नहीं दे रही।